जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका जागरण जोश के Q&A वीकली सेशन में। मैं हूँ शारदानंद। हम लोग इस सेशन में देखते हैं कि पिछले सप्ताह से क्या कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहे हैं और साथ ही उनके आंसर्स और रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के लिए करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। सभी तरह के आपातकाल से निपटने के लिए एक ही आपातकालीन संख्या 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां पर सभी तरह के तत्काल सहायता मांगी जा सकती है। और इस परियोजना के तहत शिमला में 12 डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर के साथ ही एक आपातकालीन रिस्पांस सेंटर यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स में हम क्या देखेंगे कि ये जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है और जिसका नंबर 112 होगा, इसको अनेक जो भी तत्काल सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थाएं हैं या वैसे सर्विसेज हैं, जैसे कि पुलिस का नंबर, आग है, हेल्थ है, महिलाएं हैं, इस सारे हेल्पलाइन नंबरों को इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इमरजेंसी क्या होता है। इमरजेंसी वो होती है जब आपके साथ कोई घटना हो जाए और उस समय आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे बुलाने की, जैसे कि पुलिस हो गई, हम 100 पे डायल करते हैं, आग के लिए 101 पे करते हैं, हेल्थ के लिए 108 पे करते हैं, महिलाओं के किसी भी तरह के सेवाओं को प्रदान करने के लिए 1090 पे डायल करते हैं। तो अब ये सारे नंबरों को एक साथ इंटीग्रेट किया गया है 112 के साथ। अब सरकार का ऐसा कहना है कि ये ना सिर्फ एक राज्य में बल्कि ये पूरे भारत में लागू किया जाएगा और इसकी तुलना हम अमेरिका के 911 से कर सकते हैं। हमें पता है कि वहाँ हर चीज़, हर इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक ही नंबर काम करता है, 911। ठीक उसी तरह अब 112 भारत में काम करेगा और हिमाचल प्रदेश के साथ ये शुरू हो चुका है। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी की? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, रूस, डेनमार्क। इसका सही जवाब है बी, अर्जेंटीना। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2018 को 30 नवंबर को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। आइए समझते हैं कुछ इसके बारे में, स्टैटिक फैक्ट्स भी जानेंगे और कुछ एक जनरल करेंट अफेयर्स भी जानेंगे कि ये एक्चुअली था क्या। G20 शिखर सम्मेलन 2018 का थीम था बिल्डिंग कंसेंसस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति बनाना। दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। आइए समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को। देखिए, 1999 सितंबर में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था। और यह क्यों किया गया था? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ही इस मंच का निर्माण किया गया था। यह जो समूह है G20, अपने सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं और इसीलिए ये G20 कहा जाता है। इसके नेता हर वर्ष एक बार मिलते हैं और साथ में बैठकर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि आगे की क्या भूमिका रहेगी। 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस ग्रुप ने वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम 2018 के G20 की बात करें तो इसमें हमारे देश से जो नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था और उन्होंने आर्थिक भगोरों के साथ व्यापक तरीके से निपटने के लिए 9 सूत्रीय एजेंडा अपना पेश किया और उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया में आपसी सहयोग जैसे प्रभावशाली तरीके से, अपराध से होने वाली कमाई को फ्रीज करना, अपराधियों के जल्द से जल्द वापसी और अपराध से हुई आय को वापस उस देश में भेजने के तरीके को सुव्यवस्थित करने और उसे बढ़ाने की जरूरत है। और अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है एम सत्यवती, प्रदीप कुमार जोशी, सुजाता मेहता, अरविंद सक्सेना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद सक्सेना। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। वह 7 अगस्त 2020 तक यूपीएससी के चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को। ये जो अरविंद सक्सेना है, इन्होंने 8 मई 2015 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में ज्वाइन किया था और यूपीएससी में आने से पहले वह उड्डयन शोध केंद्र में निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। सक्सेना ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग और आईआईटी से एमटेक किया है। वह भारतीय डाक सेवा 1978 बैच के अधिकारी हैं और वे यूपीएससी में वर्तमान चेयरमैन विनय मित्तल से कार्यभार लेंगे, जो 19 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब आपको ये बता दूं, ये एक स्टैटिक फैक्ट हो जाएगा कि अगर यूपीएससी का जो भी चेयरमैन होते हैं, ये यूपीएससी भारतीय संविधान में कहां से आता है जानते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद 317 में सदस्यों का निष्कासन और अनुच्छेद 318 में कार्य और उनमें निहित शक्तियों को बताया गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के चौथे सवाल की ओर। हाल ही में कौन से केंद्रीय लोक उपकरण सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस को भारत सरकार ने मीर रत्न की उपाधि प्रदान की? ऑप्शंस हैं भेल, एनपीसीसी, ओआईएल, बीएसएनएल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनपीसीसी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड एनपीसीसी को मिनी रत्न श्रेणी आई की उपाधि प्रदान की। मिनी रत्न मिलने के बाद एनपीसीसी अपने बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रदान कर सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिससे तेजी से निर्णय लेने में आसानी होगी। इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि एनपीसीसी को 1957 में स्थापित किया गया था और जिसका काम देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था, साथ ही उसका काम देश में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। यह 2009-10 के बाद से लगातार लाभ कमा रहा है। अगस्त 2018 तक भारत में 8 महारत्न, 16 नवरत्न और 60 मिनी रत्न श्रेणी 1 और 15 मिनी रत्न श्रेणी 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज हैं और लगभग कुल 300 सीपीएसई हैं यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज हैं। तो आपको ये कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में कितने महारत्न हैं, कितने नवरत्न हैं, तो आपको ये फैक्ट्स आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपको ये बता दूं और आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि मिनी रत्न की जो उपाधि है यानी ये जो कैटेगरी मिलती है, इसके लिए क्या पात्रता, क्या एलिजिबिलिटी क्या है, आपको बता दूं कि इसके लिए वही कंपनी, वही सीपीएससी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया है और जिनका सकारात्मक नेटवर्थ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एनपीसीसी है, ये 2009-10 से लगातार लाभ कमाया जा रहा है, इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि मिनी रत्न में भी सरकार ने 2 तरह की कैटेगरी बना रखी है। उस कैटेगरी में एक है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो इसमें वो कंपनीज हैं जिसने पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमाया है और इन 3 वर्षों में से किसी एक में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और इसके अंदर 60 ऐसी कंपनियाँ हैं। वहीं कैटेगरी 2 यानी श्रेणी 2 में वैसे कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया है और उनके पास सकारात्मक नेटवर्थ है। इस श्रेणी में 15 कंपनियां हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल की ओर। संविधान के अनुसूची 8 के तहत आधिकारिक भारतीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन है 24, 22, 36, 16। यह आपको लग रहा होगा कि ये एक सवाल है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है क्योंकि अभी भी आए दिन कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है बी, 22। संविधान के अनुसूची 8 में कुल अभी तक अगर आप देखें तो 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है और लास्ट जो इसमें भाषा जोड़ी गई थी वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 2003 में, जिसे 92वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आपको बता दूं ये मैंने सवाल क्यों उठाया। देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूल के छात्रों को सभी ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज से परिचित कराने के लिए भाषा संगम नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को इसीलिए उठा गया कि इससे पहले छात्र जो भी स्कूल में पढ़ते हैं और किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत से बहुत 1, 2, 3 भाषाओं में ही वो उनसे उनका परिचय होता था। लेकिन चूंकि हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये तो 22 हैं, तो सरकार ने ये एक पहल उठाया जिससे कि सभी भाषाओं को
थोड़ी बहुत उसे जानकारी हो जाए। और इन 22 भाषाओं में से 14 को शुरू में ही जब संविधान आया था तभी उसमें शामिल किया गया था। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि वो 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। और अब बढ़ते हैं आज के 6ठे सवाल की ओर। इनमें से किसे नया प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं अखिलेश रंजन, राजीव मेमानी, मुकेश पटेल, गिरीश आहूजा। सही जवाब है ए, अखिलेश रंजन। केंद्र सरकार ने अखिलेश रंजन को नए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स विधेयक तैयार करने के जो टास्क फोर्स बनाया था उसके संयोजक के रूप में नियुक्त किया है। इस टास्क फोर्स को नवंबर 2017 में गठित किया गया था। अगर 2017 में गठित किया गया तो इसके संयोजक को अभी क्यों नियुक्त किया गया वो आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा जाने कि ये क्या है टास्क फोर्स। देखिए, देश के 50 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने के लिए सरकार ने इस टास्क फोर्स का गठन किया था और इसे कहा गया था कि 28 फरवरी 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। इस टास्क फोर्स के ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि यह ऐसे कुछ कानून मसौदा तय करे जिससे कि ये जो डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग भरते हैं जिसमें इनकम टैक्स आते हैं और भी टैक्स आते हैं उसको किस तरह से आसान बनाया जाए। यह टास्क फोर्स 6 सदस्य हैं और शुरू में इसकी जिम्मेदारी अरविंद मोदी को दी गई। आपको उसका जवाब मिल गया कि संयोजक अभी क्यों होगा, क्योंकि पहले संयोजक थे अरविंद मोदी, अब वो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद अखिलेश रंजन जी को ये भार दिया गया। और इस टास्क फोर्स के अगर आप पूछेंगे कि और भी कौन कौन सदस्य हैं तो उसमें गिरीश आहूजा जी हैं जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, राजीव मेमानी हैं, मुकेश पटेल हैं, मानसी केडिया हैं और जी सी श्रीवास्तव हैं। इस टास्क फोर्स को अन्य देशों में प्रचलित मानदंडों, सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को शामिल करके देश की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून के मसौदे को तैयार करना इसकी जिम्मेदारी और इसका ऑब्जेक्टिव फिक्स किया गया। बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की ओर। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये थोड़े से हटके हैं और जो आपको जनरल PCS एग्जामों में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए इसलिए रखा है। अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन नामक उपन्यास किस लेखक के हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है नलिन बासु, प्रभा साक्षी, देवेंद्र थपलियाल, हिमांशु जोशी। और इसका सही जवाब है डी, हिमांशु जोशी। ये जो हिमांशु जोशी हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और पत्रकार हैं जो 23 नवंबर को उनका निधन हो गया। उनके द्वारा ये सारे जो उपन्यास है, जो अरण्य है, महासागर है इत्यादि काफी प्रसिद्ध रहे हैं। इनके बारे में आइए कुछ और जानते हैं। ये लेखक जो हैं और पत्रकार भी हैं वो लेखन में वर्षों से सक्रिय रहे हैं और ये कोलकाता से प्रकाशित प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका वागर्थ के संपादक भी रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ये महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए जैसे प्रमुख उपन्यास हैं जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई कहानी संग्रह, कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत, वैचारिक संस्मरण भी प्रकाशित किए हैं। उनको कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया जिनमें छाया मत छूना मन, मनुष्य चिन्ह, श्रेष्ठ आंचलिक कहानियों तथा गंधर्व गाथा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार मिला। साथ ही हिमांशु जोशी की कहानियां तथा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, 3 तारे राजभाषा विभाग बिहार द्वारा पुरस्कृत है, पत्रकारिता के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। और बढ़ते हैं आज के 8वें सवाल की ओर। हाल ही में नासा के किस यान ने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? ऑप्शन हैं क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी, इनसाइट, पाथफाइंडर। इसका सही जवाब है सी, इनसाइट। ये जो इनसाइट लैंडर है ये मंगल ग्रह की सतह पर सुरक्षित उतरा 26-27 नवंबर के रात भारतीय समय अनुसार लगभग 1:24 पर। समझते हैं ये है क्या। मार्स इनसाइट जो इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट है, उसे मई 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले वर्ष 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर को भी वहां भेजा गया था जिसने मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानकारियां पृथ्वी पर भेजी थी। नासा का यह यान
यानी हम इनसाइट की बात करें तो यह जो यान है ये सिस्मोमीटर की मदद से मंगल की आंतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगा। सौर ऊर्जा और बैटरी से ऊर्जा पाने वाले इस लैंडर को 26 महीने तक संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा का यह यान लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह की जानकारियां पृथ्वी पर भेजेगा और यह जो वहां के जो आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में ये ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से जानकारियों को पता लगाएगा और हमें बताएगा। साथ ही यह ये भी पता लगाने में मदद करेगा कि मंगल का निर्माण कैसे हुआ और यह पृथ्वी से इतनी अलग क्यों है। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म हुआ आज के सवालों का दौर और हमने आपसे पिछले सप्ताह एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में हाईकोर्ट का निर्माण होता है, तो इसका जवाब क्या है? देखिए भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल को अगर हम देखें तो 214, 216, 217 में इसके बारे में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके तहत किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। अगर हम 214 की बात करें तो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय तो होगा ही। वहीं 216 कहता है कि हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझने पर नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये अगर तीन आर्टिकल हैं तो इसमें क्या कुछ और हम शामिल कर सकते हैं। जैसे 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, वहीं अनुच्छेद 231 कहता है कि किसी भी राज्य में किसी भी दो राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। यानी 214 और 231 दो अलग अलग तरीके से इसके निर्माण या इसके गठन की बात कहता है, लेकिन एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये, क्योंकि 231 ने साफ साफ कहा है कि पहले अगर कोई भी ऐसा प्रावधान दिया गया है तो यह प्रावधान वहां पे ऊपर आ जाएगा। यानी दो राज्यों के लिए अगर उच्च न्यायालय का गठन होता है तो पार्लियामेंट उसे कर सकता है और 214 उसके राह में नहीं आ सकता है। तो ये था इस सवाल का सही जवाब। अब जो आपके लिए एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है वो ये है, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेम जी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, फ्रांस, रूस। और इसी के साथ ये Q&A सेशन अब खत्म होता है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें jagranjosh.com को।